हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज एक बहुत ही जो है लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें एक नई वैकेंसीज आई हुई हैं, नई वैकेंसी का सृजन किया गया है और बिल्कुल ही नए पदों का यहाँ पर सृजन किया गया है। तो कौन से नए पद हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं, जिसका प्रकाशन आज के डेट पर, तारीख आप लोग देख सकते हैं, 25 नवंबर की तारीख में छत्तीसगढ़ राजपत्र में जो है प्रकाशित कर दिया गया है। बिल्कुल ही नए पोस्ट हैं और कौन से पोस्ट हैं, क्या इसकी पूरी डिटेल है, शैक्षिक अर्हताएँ क्या होने वाली हैं, इसकी सैलरी क्या होने वाली है और किस तरह से इसका सिलेक्शन होगा, उसकी पूरी डिटेल आगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ राजपत्र का प्रकाशन, ये जो पीडीएफ है ये छत्तीसगढ़ राजपत्रित प्रकाशित है और इस अधिसूचना में क्या कुछ कहा गया है, पूरे डिटेल से एक एक चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अधिसूचना ये 17 नवंबर को जो है फाइनल कर दिया गया है, लेकिन इसका प्रकाशन जो है 25 नवंबर को किया गया है। और आगे अगर इसमें नज़र डालें तो ये जो है छत्तीसगढ़ नगर सेना राजपत्रित सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल जो नया पोस्ट जो सृजित किया गया है वो है छत्तीसगढ़ नगर सेना राजपत्रित सेवा, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल राजपत्रित है, छत्तीसगढ़ नगर सेना सेवा, तो इसकी भर्ती से संबंधित यहाँ पर जो नियम और शर्तें आगे दी गई हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ संक्षिप्त नाम दिया गया है और प्रारंभ इसका, ये नियम छत्तीसगढ़ नगर सेना सेवा भर्ती नियम कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका सृजन किया गया है, नगर सेना राजपत्रित है जो सेवा भर्ती नियम। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं इसकी परिभाषा दी गई है कि ये इसकी क्या परिभाषा दी जाती है, वो सभी यहाँ पर डिटेल से दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि ज़रूरी जानकारी है, जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा का गठन किस तरह से, यहाँ गठन वगैरह के बारे में पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है कि किस तरह से सेवा में सम्मिलित व्यक्ति कौन इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे सरल तरीके से, वर्गीकरण वेतनमान के बारे में और आगे नीचे हम लोग डिटेल से देखेंगे, भर्ती का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर भर्ती का तरीका आप लोग देख सकते हैं, यहाँ तीन तरीके की बात की जा रही है। इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा भर्ती नियम जो है निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी। तो सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती, ठीक है, ये जो सीधी भर्ती है और उसके द्वारा सेवा में सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा की जाएगी और जो है ये बाकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो मेन आपके फोकस की जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि परीक्षा में सीधी भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम और साक्षात्कार के माध्यम से इसकी भर्ती की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर और आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगर आयु की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हैं आयु के बारे में जो दिया गया है, आयु ये मान करके आप चल सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर 21 वर्ष की आयु आपकी जो है काउंट की जाएगी और अधिकतम जो है 35 वर्ष की आयु तक आप लोग इस वैकेंसी को भर पाएंगे, ठीक है। और जो भी आयु सीमा में जो छूट दी जाती हैं एसटी एससी ओबीसीज वगैरह को और निःशक्तक जन जो हैं उनके लिए यहाँ पर भर्ती नियम के अनुसार यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाती रहेगी। और भी जो सम्मानित व्यक्ति हैं, ठीक है, जो सम्मानित व्यक्ति हैं जैसे कि शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुंडादुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान, इन सभी के लिए भी उच्चतम आयु सीमा में जो है 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाती रहेगी। शैक्षिक अर्हताएँ की बात की जाए तो आगे इसके बारे में देखेंगे, जो भी शारीरिक मापदंड वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर साक्षात्कार द्वारा भर्ती होगी, प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा जो भी भर्तियाँ की जाएंगी वो हैं समय अंतरालों पर जो भी पोस्ट खाली होते जाएंगे तो समय समय पर आधारित करके उसके लिए जो है पोस्ट सृजन किया जाता रहेगा और समय समय पर जारी पाठ्यक्रम जो इसका होगा, पाठ्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पर परीक्षा आपकी ली जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, नोटिस करेंगे कि सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, अब बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि सीजीपीएससी के द्वारा इसकी जो भी ये नई सृजित भर्तियां हैं सीजीपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसकी परिवीक्षा अवधि की बात करें तो परिवीक्षा अवधि आप देख सकते हैं 3 वर्ष की कालावधि ठीक उसी तरह से रहेगा। स्टाइपेंड जो है 70-80-90% का स्टाइपेंड आपको मिलता रहेगा 3 वर्ष की जो इसकी परिवीक्षा अवधि में रखी जाएगी। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर से देख पाएंगे कि यहाँ सारे पदों के नाम दिए गए हैं और कितने कितने पोस्ट हैं, सारे पदों में कितने पोस्ट हैं और उनके वेतन मान यहाँ पर से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पदों के नाम दिए गए हैं, प्रधान सेनानी महानिदेशक, अतिरिक्त प्रधान सेनानी, वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर सेनानी, संभागी सेनानी। तो ये जो जितने पदों के मैंने नाम लिए हैं वो सभी प्रथम श्रेणी के पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ आईपीएस आपको दिखाई देगा, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी। तो ये जो है यूपीएससी के द्वारा
इसकी भर्तियां की जाएगी, ठीक है। ये स्टेट के द्वारा, सीजीपीएससी के द्वारा नहीं की जाएगी, यूपीएससी के द्वारा। अब आगे जो द्वितीय श्रेणी यहाँ से स्टार्ट है वो सीजीपीएससी के द्वारा की जाएंगी, ठीक है। तो पदों के नाम आप देख पाएंगे, जिला सेनानी, क्वार्टर मास्टर, कनिष्ठ स्टाफ ऑफिसर और मुख्य अनुदेशक, ठीक है। और इसके अलावा लेखा सह प्रशासनिक अधिकारी, ये जो पोस्ट हैं द्वितीय श्रेणी के, वो सीजीपीएससी के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। सीजीपीएससी के द्वारा इनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे और उसके द्वारा इसकी भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर पोस्ट की जो संख्याएं हैं वो आप देख सकते हैं, जिला सेनानी की 28 पोस्ट, क्वार्टर मास्टर एक पोस्ट, कनिष्ठ स्टाफ ऑफिसर का एक पोस्ट, मुख्य अनुदेशक का एक पोस्ट, इस तरह से कुल मिलाकर के 31 और लेखा सह प्रशासनिक अधिकारी का एक पोस्ट, और इस तरह से कुल मिला के यहाँ 32 पोस्ट यहाँ पर 32 पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो सीजीपीएससी के द्वारा लिया जाना है। वेतनमान आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर से 15,600 से 39,100 रुपये ग्रेड वेतन है, ठीक है। और लेवल 12 यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो इसी तरह कुछ जो है लेखा सह प्रशासनिक अधिकारी का भी इसी तरह से है, वित्त एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर होगा ये, ठीक है। ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। तो इसमें वही देखने वाली बात होगी कि कितने सारे जो हैं यहाँ पर सारे दिए गए हैं कि कितने जो हैं पदोन्नति के द्वारा होगा और कितने जो हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन से होगा। तो यहाँ पर से आप सारी चीज़ों को देख पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है जिला सेनानी, क्वार्टर मास्टर, कनिष्ठ स्टाफ ऑफिसर, मुख्य अनुदेशक, लेखा सह प्रशासनिक अधिकारी का जो है सीधी भर्ती द्वारा 33% और जो है पदोन्नति द्वारा 67% यहाँ पर से भर्तियाँ ली जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ रखी गई हैं। और जो है भर्ती के लिए आयु अर्हता और यहाँ पर जो है शैक्षणिक अर्हता यहाँ देखने को मिलेगा। ये सभी पोस्ट के लिए जो है सीजीपीएससी के द्वारा जो लिया जाना है उसमें 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु और 35 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। और शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके लिए होनी चाहिए। और यहाँ एक चीज़ और यहाँ टिप्पणी दी गई है, नोट यहाँ पर दिया गया है कि पुलिस उप अधीक्षक के लिए यहाँ विहित शारीरिक माप जैसा कि पुलिस विनियमों के अधीन निहित है। तो जो शारीरिक माप जो है वो नियमों के हिसाब से आपका होगा। तो इस तरह से यहाँ सारी चीज़ें, आई होप आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल गई होंगी, ठीक है। यहाँ पदोन्नति के नियम दिए गए हैं। तो बाकी जो आपके जानने की चीज़ें थी सारी जानकारी यहाँ पर से आपके लिए क्लियर हो चुकी है। अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।